Welcome to Quality Coaching Academy. हम अपने MCQ की तरफ आ रहे हैं, starting from 177. हमारे पास है MCQ number 177, और the sentence is the author wrote this book in 1 month. यहां पर हमारे पास first of all इसको हम जरा different angle से समझने की कोशिश करते हैं. और यहां पर अगर आप देखें कि पैसिव का यहां पर सेंटेंस है, लेकिन पैसिव से पहले हमें सेंटेंस को देखते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा है. हमारे पास इज दिस डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव, कौन सा है? तो सेंटेंस को अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव हमारे पास कौन सा सेंटेंस होता है जिसमें हम किसी चीज को डिक्लेयर करते हैं, कुछ स्टेटमेंट हम बयान करते हैं. और डिक्लेरेटिव आपके पास एक अफर्मेटिव होता है एंड द सेकंड इज नेगेटिव. ये आपके पास दो होते हैं. अफर्मेटिव कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दे, और नेगेटिव जो मनफी स्टेटमेंट दे दे, उसको हम नेगेटिव कहते हैं. स्टेप नंबर वन. नंबर सेकंड हमारे पास निकलता है क्या चीज, कि ये टेंस कौन सा है. हमारे पास टेंस, तो हमारे पास टेंस निकलता है, ये हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर और फार्मूला क्या है, तो हमारे पास स्ट्रक्चर और फार्मूला इसका सब्जेक्ट प्लस वी टू सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. नेगेटिव हमारे पास होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. यहां पर देखिए डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा. ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दूसरा स्टेप. वो अगर आपसे कोई पूछे अभी पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, तो आपके पास कोई एक्शन पास्ट में शुरू भी हो और पास्ट में खत्म भी हो, तो हमारे पास स्टार्टेड एंड एंडेड इन पास्ट, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. अभी यहां पर हमारे पास देखिए इंपॉर्टेंट चीज है टेंस को समझना, फिर आपके पास जबरदस्त अब बहुत सिंपल होगा. अभी यहां पर मैं लिख रहा हूं, हमारे पास है एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक है हमारे पास पास इंडेफिनिट. तो यहां पर हमारे पास एक मैंने लिखा यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहां पर आपके पास है पास्ट कंटिन्यूअस, एक हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट, और एक हमारे पास है पास्ट परफेक्ट. देखिए समझने की कोशिश करें, बहुत सिंपल से ट्रिक्स है. हमारे पास एक्टिव पैसिव के लिए दो चीजें लाजमी है, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. आपके पास व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आप लोगों को भी शायद स्कूल और कॉलेज में बताया गया है कि आपके पास पैसिव के लिए यू नीड प्रीपोजिशन बाय. दिस इज नॉट द राइट केस. आपके पास पैसिव के लिए दो चीजें चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकंड इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अभी यहां पर देखिए हमारे पास हम जब बात करते हैं तो हमारे पास एक किस्म का वर्ब निकलता है जिसको हम कहते हैं बी फॉर्म ऑफ वर्ब. बी फॉर्म ऑफ वर्ब को समझे, तो बी फॉर्म ऑफ वर्ब को जब हम समझते हैं तो हमारे पास इसका एक वी वन, इसका एक वी टू और इसका एक वी थ्री. हम शॉर्टकट बोलते हैं सारे वर्ब्स को हम बी फॉर्म ऑफ वर्ब, जिस तरह हम डब्ल्यू एच कहते हैं व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हाउ इसके लिए. तो यहां पर हमारे पास क्या है वी वन में इज एम आर, यहां पर आपके पास वाज वर, और यहां पर आपके पास होगा बी. ये हमारे पास क्या है बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. कभी भी आपसे पैसिव में हम चेंज करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए तो याद रखे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होगा और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा. अगर हम पास इंडेफिनिट तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा वाज
और वर और इसके साथ क्या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हम आते हैं कंटिन्यूअस को, देखिए कंटिन्यूअस आप लोगों ने पढ़ा होगा आईएनजी फॉर्म को कहते हैं, आईएनजी फॉर्म। तो हमारे पास कंटिन्यूअस में क्या होगा, जब आपके पास इज एम आर के साथ बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए। पास्ट में क्या होगा, वाज वर के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पर परफेक्ट में हमारे पास क्या होती है, परफेक्ट की निशानी क्या होती हैव हैज और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर हैव, यहां पर अगर मैं लिखूं आपके पास हैव का, तो हैव और हैज को अगर हम देखें तो हैव और हैज ये वी वन हुआ, इसका हमारे पास जो वी टू है वो हेड है, और वी थ्री कौन सा होगा, ये भी आपके पास हेड। तो यहां पर हमारे पास होगा हैव हैज प्लस बीन और इसके साथ हमारे पास थर्ड वर्ब, और यहां पर भी आपके पास हेड के साथ बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हमारे पास स्ट्रक्चर होना चाहिए। बाय आता है या नहीं आता उसके साथ हमारा काम नहीं है, आपने ओमिशन प्रोसेस करना है अभी कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन, टेंस कौन सा है हमारे पास, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, वाज वर। देखिए ऑप्शन ए को जरा छोड़े एक मिनट के लिए, क्योंकि वाज आया एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ऑप्शन बी इस तो प्रेजेंट में आता है, ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन सी को देखे, हेड तो परफेक्ट के लिए आता है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी को देखे, वेल बी, ये भी गलत। तो ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन आपके पास रहता है, इसको हम ओमिशन प्रोसेस कहते हैं। इस तरह आप करेंगे तो बहुत आसानी होगी। और यहां पर देखे वाज के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी आया है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अभी ये हमारे पास इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की समझ नहीं आ रही है, मेक इट इनटू पॉजिटिव डिक्लेरेटिव इससे बनाओ। तो हमारे पास ये सेंटेंस किस तरह हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अभी हम इसको चेंज करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय अस। अभी यहां पर इस कैन को कहां पर लेकर आओ, स्टार्ट में लेकर आओ और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाओ। तो यहां पर देखिए आपके पास क्या है, ऑप्शन को जरा देखे, हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर आपको एक और कंफ्यूजन दे सकते हैं, इस तरह भी लिखा जा सकता है कि हमारे पास कैन दैट प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड। आपको ऑप्शन नंबर ई इस तरह भी दिया जा सकता है। समटाइम्स हम कंफ्यूज हो जाए, एक्टिव पैसिव को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ मिक्सअप कर लेते हैं, क्योंकि दैट हम किस में फिर करेंगे, हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर दैट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है, द पोएट रीड द लॉन्ग पोएम हिमसेल्फ। अभी यहां पर देखे इसको जरा समझे, इसमें अगेन कंफ्यूजन है इस स्ट्रक्चर में। मुझे पहले बताए कि यहां पर यह टेंस कौन सा है, कोई बता सकता है, प्रेजेंट क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे पास है वी वन वी टू वी थ्री, हमारे पास एक वर्ब है कट कट कट, आपके पास शर्ट शर्ट शर्ट, और आपके पास रीड रेड रेड। अगर आप इसके फॉर्म को देखें, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है लेकिन फॉर्म बिल्कुल सेम टू सेम है। अगर ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो फिर हमारे पास ये किस तरह होता, द पोएट इस तरह फिर होता, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ये हमारे पास वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का इजाफा हम जब करते हैं तो ये स्ट्रक्चर होता। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए कौन सा होगा, वाज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। देखिए मैंने स्ट्रक्चर आपको लिखवाए हैं, उसको जरा देखें। नेक्स्ट वन है, डू नॉट मेक अ नॉइज। अभी ये हमारे पास क्या होगा, जब आप इसको चेंज करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव हमारे पास कौन सा सेंटेंस होता है,
इंपेरेटिव हमारे पास वो सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन ये चीजें हो, उसमें आपके पास क्या होगा? यहां पर याद रखे कि आपके पास सब्जेक्ट नहीं होता इसमें, क्योंकि सब्जेक्ट आपके पास क्या होता है? सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, लेकिन हम सब्जेक्ट को लिखते नहीं है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूं स्टैंड अप, इसका मतलब है यू स्टैंड अप। मैं उस बच्चे को कहता हूं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इट मींस यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन सब्जेक्ट क्या होता है? हम नहीं लिखते, सब्जेक्ट इज इम्प्लिसिट नॉट एक्सप्लिसिट। तो यहां पर हम जब चेंज करते हैं तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, लेट को पहले लेकर आएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे। यहां पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब होगा बी, और आपके पास जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इसको हम चेंज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? लेट अ नॉइज हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉट, क्योंकि नेगेटिव है हमारे पास, डू नॉट है, तो नॉट बी मेड। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। यस, नॉट बी, नॉट बी, नॉट लगाएंगे ना। देखिए आपके पास क्या है, अभी आपने स्पेक्टिकल्स लगाए हुए हैं, आपकी नजर कम है पॉइंट वन। अगर आपने ये नहीं लगाई तो आपको स्टडी में प्रॉब्लम होगी, सर दर्द होता है। जिस तरह मैंने सुना है कि व्हेन यू डू नॉट हैव स्पेक्टिकल्स तो जब आप पढ़ते हैं तो सर में बोझ आता है, दर्द होता है। तो इसी तरह आपके पास आपने एक चीज लगाई हुई है और आप उसको फिर क्यों नहीं लगाते? तो हमारे पास आपने डू नॉट लगाया, देन यू हैव टू यूज डू नॉट। तो वो डू हम खत्म कर लेते हैं नॉट, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज होता है, स्ट्रक्चर में हमें जरूरत सिर्फ नॉट की है तो हम नॉट लगाते हैं। नेक्स्ट है ही हैज वॉन मेनी कॉम्पिटिशन, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास क्या होगा? हैज के बाद बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑप्शंस को देखे, ऑप्शन नंबर ए बी तो बिल्कुल नहीं आता, ऑप्शन नंबर सी और हैज क्यों आया है? क्योंकि हमारे पास जब भी हम हैज का इस्तेमाल करते हैं तो हैज इज यूज विद ही शी इट प्लस सिंगुलर नाउन, और अगर सिंगुलर नाउन नहीं है तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज वाई हमने यहां पर हैव का इस्तेमाल किया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है इफ आई डैश यू आई वुड नॉट हेल्प, हमारे पास याद रख के आई के साथ वी हैव टू यूज वॉज, लेकिन जब आपके पास सिचुएशन क्या हो, रियल हो, आई के साथ हम वर लगाते हैं, जब आपके पास स्ट्रक्चर क्या हो, अनरियल हो। अगर कोई रियल में हो काम, फॉर एग्जाम्पल आई वॉज गोइंग, आई वॉज इंजॉइंग, आई वॉज टेकिंग टी, आई वॉज सेड, आई वॉज इन द क्लास, आई जब रियल स्ट्रक्चर होगा तो हम आई के साथ वॉज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज अनरियल हो, कोई चीज इमेजिनरी हो, तो उसके लिए हम क्या, उसके लिए हम आई के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर क्या लिखा है, इफ आई वर यू, देखिए अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई कैन नॉट बिकम यू। तो यहां पर आपके पास इफ आई वर यू, और ये आपके पास क्या है, किताबों में जो लिखा हुआ है सेकंड अनरियल इसको कहते हैं, सेकंड कंडीशनल इसको कहते हैं, सेकंड कंडीशनल। मैंने आपको, अगर मेरे स्टूडेंट है तो मैंने इसको फर्स्ट रियल बताया, अनरियल बताया है। स्टूडेंट्स को जो मेरे स्टूडेंट है मैंने कहा है फर्स्ट अनरियल, लेकिन बुक्स में है सेकंड कंडीशनल के नाम से। तो हमारे पास क्या है यहां पर स्ट्रक्चर और फॉर्मूला, इफ प्लस पास इनडेफिनेट, और यहां पर आपके पास सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और पास इनडेफिनेट में आपके पास हमेशा वर होगा, वाज नहीं होगा। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है इफ मदर सेज डैश आई शैल ड्रॉप आई वुड हैव ड्रॉप आई ड्रॉप। अभी यहां पर देखिए ये हमारे पास क्या है, फ्यूचर कंडीशनल, फ्यूचर के बारे में है, फर्स्ट जिसे हम कहते हैं। हमारे पास क्या है यहां पर, आपके पास स्ट्रक्चर और फॉर्मूला क्या होगा, इफ व्हेन प्लस प्रेजेंट इनडेफिनेट, और यहां पर आपके पास सब्जेक्ट वेल शैल प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जिसको आप फ्यूचर इंडेफिनेट कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट। तो हमारे पास यहां पर आई के साथ हम शल का इस्तेमाल करते हैं, वी के साथ हम शल का इस्तेमाल करते हैं, इंशाल्लाह
नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे तो शल और विल पर जरा डिस्कशन कर लेंगे कि जब आपके पास ये फिक्स्ड होता है और जब आपके पास ये नॉट फिक्स्ड होता है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। तो यहां पर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, आई शल ड्रॉप यू, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है डैश, आई शल बी फोर्स टू टेक ड्रास्टिक मेजर्स। अभी यहां पर देखिए हमारे पास कभी भी आपके पास ये लफ्ज आ जाए अनलेस, इसके बाद नॉट, डू नॉट, डज नॉट, ये कभी भी नहीं लगते हमारे पास, या डिड नॉट, कभी भी आपके पास अनलेस के बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं आता। तो जब नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं आता, ऑप्शन ए में डू नॉट है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी में डिड नॉट है, ऑप्शन डी में भी नॉट है, तो एक ऑप्शन हमारे पास रहता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है इफ डैश आई विल गिव हिम योर मैसेज। तो यहां पर है इफ आई विल मीट डेविड इन द मीटिंग, इफ आई मीट, यहां पर देखिए बहुत सिंपल सा, हमारे पास अगर इफ आ जाए या कोई भी सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इस पे स्टूडेंट जरा कंफ्यूज होते, इस बात को समझे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये स्टूडेंट मेरे लिए कल चाय लेकर आएगा, मैं कहता हूं ही विल ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी फॉर मी टुमारो, ही विल ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी फॉर मी टुमारो, ठीक है, कल के बारे में बात कर रहा हूं। तो जब आप परटेन कर रहे हैं, व्हेन यू आर परटेनिंग टू फ्यूचर, यू हैव टू यूज विल और शल का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप, मैं कहता हूं कि मैं कल घर जाऊंगा, तो मैं कहता हूं कि आई शैल गो होम टुमारो, कल के लिए मैंने इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कल जो है सर इजहार के साथ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे, तो आप कहते हैं कि मैं कहता हूं कि दे विल टेक क्लास विद सर इजहार, क्या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, टुमारो मंडे के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब भी आप फ्यूचर के बारे में बात करते तो विल शैल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कभी सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया एंड यू आर परटेनिंग टू फ्यूचर, आपने विल शैल का इस्तेमाल नहीं करना। दोबारा बता रहा हूं, फ्यूचर के लिए वी हैव टू यूज विल और शैल, लेकिन अगर आपने सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन स्टार्ट में पुट किए और आप फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए इफ ही विल ब्रिंग, अगर मैं कहता हूं ब्रिंग A cup of coffee for me tomorrow, ये गलत होगा, यहां पर आपके पास ही brings होगा, will bring नहीं होगा। आपके पास subordinating conjunction कौन से है, आपके पास if, when, also, unless, until, because, since और बहुत ज्यादा और, ये हमारे पास सारे क्या है, subordinating conjunction। तो जब भी subordinating conjunction हो, आपने फ्यूचर की तरफ इशारा करना है, यू मस्ट नॉट पुट वेल और शल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहां पर जरा देखिए हमारे पास ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन ए में क्या है हमारे पास, इफ आई विल ये तो नहीं होगा, इफ आई शल सी ऑप्शन ये भी गलत होगा, इफ आई हैव मीट ये इसलिए गलत है, देखिए आपके पास जब भी हैव आता है या हैव आता है, इसके बाद आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, तो एक ऑप्शन रहता है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है हेड आई रियलाइज दैट इट वॉज सच अ लॉन्ग एंड टायरिंग जर्नी आई डैश, यहां पर हमारे पास क्या होगा, यहां पर हमारे पास इसको हम कहते हैं थर्ड कंडीशनल, लेकिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया कौन सा, सेकेंड अनरियल के नाम से पढ़ाया है। और इसका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला क्या होगा, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। वुड की जगह आपके पास कुड भी आ सकता है, इसकी जगह आपके पास माइट भी आ सकता है, हमारे पास तीनों आ सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस हम किसको देंगे, वुड को। वुड नहीं है गो फॉर कुड, कुड नहीं है गो फॉर माइट, तीनों हमारे पास आ सकते हैं यहां पर, वुड कुड माइट तीनों आ सकते हैं, लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देंगे, वुड को। यहां पर आपके पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस, देखिए ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
spot the error in the given sentence. हमारे पास spotting the error ऐसा topic है, आपने इसको सही तरीके से समझा तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा. तो हमारे पास यहां पर देखें, हमारे पास है स्पॉटिंग द एरर में हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है द ऑथर मेंशन दैट देयर वर मेनी पीपल हु वर डिप्राइव्ड ऑफ अ मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज. देखिए इसको जरा अगर आप एहतियात से देखें, द ऑथर आपके पास नेक्स्ट है मेंशन, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, कोई कंफ्यूजन नहीं है. अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता mentions होता वर्ब के साथ एसओरियस दैट, दैट क्या करता है दो क्लाजेस को कनेक्ट करता है. देयर वर, वर क्यों आया है याद रखिए, हमारे पास जब भी आपके पास देयर आ जाए तो याद रखिए आपके पास जो वर्ब होगा ये इस नाउन और प्रोनाउन के मुताबिक होगा. अगर ये नाउन सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होगा, अगर ये प्लूरल है तो ये वर्ब भी आपके पास प्लूरल होगा. दूसरा यहां पर इस्तेमाल हुआ है मैनी, मैनी का इस्तेमाल हम करते हैं काउंटेबल प्लूरल के साथ. अगर मच हमारे पास होता तो ये हमारे पास अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल, और अनकाउंटेबल आपके पास हमेशा सिंगुलर. तो यहां पर हमारे पास क्या इस्तेमाल हुआ, दैट देयर वर मैनी पीपल, पीपल ज्यादा है इसलिए वर. अगर देयर वर अ बॉय होता तो फिर वर गलत होता, देयर वॉज अ बॉय होना चाहिए. दूसरा देखिए मेंशन है पास है, दूसरा वर में है, ये भी स्ट्रक्चर ठीक है, कोई गलती नहीं है. हु वर, अभी ये हु किसकी तरफ इशारा कर रहा है, हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ये देखिए हु आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन है और ये यहां के नाउन और प्रोनाउन की तरफ इशारा करता है, और यहां पर जो वर्ब होगा इसके मुताबिक होगा. तो यहां पर हमारे पास क्या है, हु वर पीपल है, ज्यादा है इसलिए हमने वर का इस्तेमाल किया. फिर हमारे पास आया है डिप्राइव्ड, ये देखिए इसके साथ इसको हम फिक्स प्रीपोजिशन कहते हैं, और इसके साथ हमारे पास ऑफ, जिस तरह हमारे पास एक लफ्ज है नो, नो के साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं, कंटेन इसके साथ हम इन का इस्तेमाल करते हैं, अबाइड के साथ हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, सुपीरियर के साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं, सीनियर के साथ हम टू का इस्तेमाल, इसी तरह डिप्राइव्ड के साथ हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं. यहां तक तो हमारे पास ठीक है. अ मिनिमम बेसिक, आ आपके पास क्या है आर्टिकल, इट इज यूज फॉर वन पर्सन और थिंग. हमारे पास ये ए और एन हम इस्तेमाल करते हैं वन के लिए, एक चीज के लिए. अभी यहां पर देखिए बेसिक फैसिलिटीज, फैसिलिटीज प्लूरल है तो यहां पर आपके पास ए गलत है और आप उसको क्या स्पॉटिंग द एरर ऑप्शन नंबर डी में है. नेक्स्ट है स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस, द अंकल ऑफ आई हैज सेंड दिस वंडरफुल वॉच फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. देखिए हमारे पास एक टर्म आया ऑफ, ये हमारे पास क्या है दिस वन, ये प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन इज बेसिकली हमारे पास होता क्या है, तो बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स प्री एंड पोजिशन. प्री कहते हैं बिफोर को और पोजिशन कहते हैं प्लेसमेंट को. आप लोग कहते हैं ना प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कि मेडिकल से पहले, इंजीनियरिंग से पहले. तो प्रीपोजिशन का मतलब क्या निकलता है, अ वर्ड दैट इज यूज या प्लेसमेंट बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन. तो हमारे पास जब भी प्रीपोजिशन होगा इसके बाद नाउन या प्रोनाउन लाजमी होगा प्रीपोजिशन के बाद. अगर नाउन प्रोनाउन नहीं है तो याद रख के हमारे पास क्या है वो कभी प्रीपोजिशन नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, प्लीज कम इन, और आपसे कोई पूछे द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस इज, प्रीपोजिशन है या नहीं है, नो no. क्योंकि इसके बाद नाउन प्रोनाउन नहीं है, दिस इज एन एडवर्ब ओवर हियर, यहां पर एडवर्ब का काम कर रहा है. तो हमारे पास जब भी प्रीपोजिशन आ जाए नाउन और प्रोनाउन होगा, स्टेप नंबर वन. दूसरा हमारे पास क्या होगा, जब भी आपके पास नाउन और प्रोनाउन होगा आप इसको हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में पुट करेंगे, सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं,
हमारे पास एक सेंटेंस है, ईच ऑफ द रोड लीड या लीड टू द अकेडमी। अभी यहां पर देखे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, रोड्स तो प्लूरल है, ईच हमारे पास ये भी नाउन है और ये हमारे पास प्रोनाउन है, ईच हमारे पास प्रोनाउन है। अभी आप कहते हैं सर कि हमारे पास ये वर्ब जो है ये आया इसके मुताबिक हम लगाए या इसके मुताबिक लगाए, कंफ्यूजन है। आसान सा ट्रिक क्या है, दिस वन इज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन लाजमी होगा, ये नाउन आया है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज एन ऑब्जेक्टिव केस, वो एग्री होता है किसके साथ, सब्जेक्टिव केस के साथ, इस वजह से हमारे पास लीड्स आता है। तो यहां पर याद रखिए प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन और ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो यहां पर अगर आप देखें आई सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव केस तो प्रीपोजिशन के बाद आता नहीं है, तो यहां पर आई गलत है, यहां पर हमारे पास मी। हमारे पास एक दूसरा टर्म भी आ सकता है, वो इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे, हमारे पास ये क्यों नहीं आता वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हमारे पास यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा है, स्पॉटिंग देयर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द पुलिस अरेस्टेड एन ऑस्ट्रेलियन एंड एन यूरोपियन टूरिस्ट। अभी यहां पर देखिए हमारे पास एन नहीं है, अ यूरोपियन है, तो हमारे पास यहां पर स्पॉटिंग द एरर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट है दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर मे पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर। अभी हमारे पास कौन सा है, देखिए हमारे पास दीज ऑर्डर्स, दीज ज्यादा है, ऑर्डर्स है, हमारे पास कुछ टर्म्स है, एक है दिस, एक है हमारे पास दीज, दिस इज यूज फॉर सिंगुलर एंड दीज इज यूज फॉर प्लूरल, ऑर्डर्स है ना, ज्यादा है तो हमारे पास दीज ठीक हुआ। ऑफ द मैनेजर, प्रीपोजिशन के बाद मैनेजर आया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं, हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी है, जब भी आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी आ जाए याद रखे इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा विदाउट एस और एस, इसके साथ एस और एस का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो यहां पर पुट भी ठीक है, द लाइव ऑफ 2000 वर्कर्स, तो यहां पर क्या है, यहां पर टू है तो वर्कर्स है, थाउजेंड वर्कर्स, यहां पर भी कोई कंफ्यूजन, तो हमारे पास इन अ डेंजर नहीं होगा, इन डेंजर होगा, क्योंकि हमारे पास जब भी कौन से होते अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या पुट नहीं करते, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट है स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस, ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाय अ कार। तो ये हमारे पास आपके पास मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब भी आपके पास आ जाए तो हम बाय का इस्तेमाल करेंगे, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, आपके पास क्या है, बाय कार है, बाय प्लेन है, बाय ट्रेन है, बाय शिप है, बाय बाइक है, जो भी आपके पास है हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले आर्टिकल आया तो फिर हमारे पास कार और टैक्सी के साथ इन अ कार, इन अ टैक्सी, अगर कार और टैक्सी के अलावा है ऑन अ बस, ऑन अ प्लेन, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ शिप, इस तरह होगा। लेकिन अगर आर्टिकल नहीं है यू हैव टू यूज बाय बस, बाय प्लेन, बाय कार, बाय शिप, बाय टैक्सी, ऑप्शन नंबर सी में है प्रॉब्लम। 192 है अमास सिनोनिम, सिनोनिम क्या किसको कहते हैं, जो आपके पास सिमिलर मीनिंग हो, तो अमास का मतलब होता है टू कलेक्ट समथिंग, तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। एडिज कहते हैं किसको, जो आपके पास एक जर्नल ट्रुथ हो, आपके पास क्या हो, एडिज एक वाइज सेइंग हो आपके पास, या जर्नल ट्रुथ हो। यहां पर देखिए मैं आपको सिंपल सी, हमारे पास कुछ अल्फाज है, एक है प्रोवर्ब, एक है हमारे पास कोटेशन, एक है हमारे पास सेइंग। अगर आपको याद हो हमने डिस्कशन की थी किस में, जब हम टेंस पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रोवर्ब में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, कोटेशन में या सेइंग में हम इस्तेमाल करते हैं। प्रोवर्ब कौन सा होता है, जब आपके पास एक स्टोरी होती है उसकी मोरल अगर हो उसको हम प्रोवर्ब कहते हैं, मोरल ऑफ अ स्टोरी।
कोटेशन किससे कहते हैं? जब आप किसी किताब से कोई लाइन लेते हैं, कोई किताब होती है उससे कोई लाइन लेते हैं, शेक्सपियर का कोई ड्रामा है, लेट्स सपोज हमारे पास है मर्चेंट ऑफ वीनस, उसमें वो क्या कहते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। या आप लोग देखें प्रोवर्ब किस तरह है, आप लोगों ने एक स्टोरी जो है वो पढ़ी, उसमें नीचे लिखा होता है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आप लोगों ने वो स्टोरी पढ़ी होगी। तो ये देखिए आपके पास मोरल ऑफ अ स्टोरी, किसी किताब से कोई लाइन, और से कोई इंटेलिजेंट बंदा, कोई शख्स जिसने कोई अल्फाज कहे है जो बहुत मशहूर हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल गांधी ने कुछ कहा है, या फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने कुछ कहा है, तो जो सेइंग अल्फाज होते हैं उसके लिए हम सेइंग का लफ्ज। अभी यहां पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है एडिज का मतलब प्रोवर्ब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। और नेक्स्ट वन है लास्ट वन, आर्डुअस सिनोनिम क्या होते हैं, आर्डुअस का मतलब होता है जिसमें आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी सर्फ होती है, जिसमें बहुत ज्यादा आपकी क्या हार्ड आपकी एफर्ट जो है वो लगती है। तो यहां पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर ए इज द जो राइट ऑप्शन है, तो आपके पास ए इज द राइट ऑप्शन। कोई कंफ्यूजन इसमें? यस yes?